गाइस गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी में क्या है जो मेरा टॉपिक है, वो मेरा चल रहा है एपिथीलियम के कार यानी कि फंक्शन ऑफ एपिथीलियम। ठीक है, जिसमें मैंने ये आपको फंक्शन लिए हैं 14। ठीक है, और एक एक को बाद में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है आवरण। ठीक है, तो आवरण यानी कि कवरिंग, जो मेरी बॉडी में जो कवरिंग होती है ना उसकी बात हो रही है। यहाँ है नंबर दो है सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन। ठीक है, नंबर तीन क्या है रोध यानी कि जो भी वैरियर होते हैं ना उनके बारे में बताया। नंबर चार है पदार्थों का आदान प्रदान यानी कि कोई भी पदार्थ है जो मेरा बॉडी से एक्सचेंज होता है ना। यहाँ देखो पदार्थों का आदान प्रदान क्या है, एक्सचेंज ऑफ मेटेरियल्स। अभी मैं इनको आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर है यहाँ अवशोषण यानी कि एब्जॉर्बेशन। ठीक है, और यहाँ है उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रेशन। फिर है मेरा चालन यानी कि कंडक्शन। फिर है मेरा श्राव यानी कि सेक्रेशन। फिर है मेरा श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। फिर यहाँ पे मेरा नंबर 10 पे संवेदी प्रकार यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं सेंसरी फंक्शन। ठीक है, सेंसरी फंक्शन में भी इसका वर्ग है। फिर यहाँ पे मेरा है वड़कता या पिगमेंटेशन। ठीक है, अभी फिर नंबर है जो मेरा 12 है वो है युग्मकों का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी कि जब भी मेरा गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसमें भी इसका वर्क है। फिर वाह कंकाल यानी कि एक्सोक्स स्केल्टन। ठीक है, एक्सो स्केल्टन। फिर है नंबर 14 पुनरुद्भवन यानी कि रीजेनरेशन। ठीक है, अब हम यहाँ से सबसे पहले क्या उठाएंगे, आपको कवरिंग उठाएंगे यानी कि आवरण, इसके बारे में आपको हम बताएंगे डिटेल में। ओके गाइस, तो देखिए गाइस जो मैंने पहला टॉपिक यहाँ पे उठाया है, जैसे मैंने क्या बोला था कवरिंग यानी कि आवरण, तो हम जानते हैं कि आवरण और कवरिंग में क्या होता है। क्या होता है, इसमें जो मेरे एपिथीलियम त्वचा यानी कि खोखले अंग जैसे, इसमें ये बात हो रही है जो भी मेरी बॉडी के अंदर जो खोखले अंग होते हैं ना, तो उनका जो ऊपर वाली जो उनकी जो लेयर बनी होती है, जैसे कि आरनाल हम बात करते रहते हैं, क्या है आरनाल हो गया हमारा, कैनाइन हो गया, और रुधिर वाहिनी यानी कि रुधिर यानी कि ब्लड वेसल्स की सतह यानी कि जो मेरा ब्लड वेसल्स का क्या होता है सरफेस होता है ना, और एंड यानी कि तथा अन्य यकृत लीवर वो यकृत यानी कि ठीक है यकृत दिया गया जैसे हम लीवर बोलते हैं, और है क्या है मेरा श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम, और अंत अंगों मतलब जो मेरे अंत अंगों का मतलब क्या है जो मेरे बॉडी के अंदर वाले जो ऑर्गन है। ठीक है, जो मेरी बॉडी के क्या है अंतरांगों का मतलब ये है कि जो मेरे बॉडी के जो अंदर वाले ऑर्गन है ना, जो पार्ट्स है अंदर के पार्ट्स, उनको ढकने का कार्य करती है तथा उनका अस्तर बनाती है। अस्तर का मतलब क्या है, देखो स्तर का मतलब होता है लेयर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है उनका जो लेयरिंग मतलब उनका लेयरिंग नहीं बनाती है। जैसे कि ये हमने मान लिया इसके ऊपर क्या है, जैसे कि मेरा जो ब्लड वेसल्स होती है उनके जो ऊपर की जो कवरिंग होगी ना वो किसकी होती है, एपिथीलियम की होती है। ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी की बात भी करते हैं तो इस पर भी क्या है पूरी बॉडी पर कवरिंग है ना एपिथीलियम की हमारे बॉडी के ऊपर, वैसे ही जो मेरे अंदर के ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी कवरिंग है किसकी, एपिथीलियम की, चाहे वो लीवर हो गया मेरा, ठीक है आरनाल हो गया, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, और ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक, तो इन पर भी क्या है उनके जो जो ऊपर का सरफेस, अगर हम अपने हैंड की बात करें तो यही तो होगा सरफेस ऊपर वाला, तो इस पर क्या, जैसे कि हमने मान लिया तो कवरिंग जो ऊपर से एक लेयर होगी वो क्या होगी एपिथीलियम। ठीक है, अब नंबर दो क्या है मेरा सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन, तो यह है त्वचा, तो इसमें क्या है कि यह त्वचा व उसके नीचे स्थित ऊतकों को चोट, फिर क्या है अपघर्षण यानी कि देखो अपघर्षण का, घर्षण का मतलब क्या होता है किसी चीजों का आपस में घिसना। ठीक है, तो अघर्षण और रसायनों एवं संक्रमण व शुष्कन से बचाती है। तो इन्होंने क्या बोला है कि इसमें क्या होगा जो मेरी स्किन है और वह उनके बीच में, मतलब एक मेरा स्किन हो गया और जो वाली एक मेरी नीचे वाली लेयर होगी ना, तो उसके बीच में क्या है टिश्यूज है ना कुछ, जैसे कि ये मेरी स्किन है, ठीक है एक स्किन हो गई और यहाँ जो मसल्स उनके बीच में क्या है यहाँ पे मेरे देखो टिश्यूज होंगे ना स्किन के बाद यहाँ पे, तो जो टिश्यूज होंगे उनको क्या है चोट लगने से बचाती है। ठीक है, यही तो एपिथीलियम की लेयर क्या करती है चोट लगने से बचाती है, जैसे आपस में जैसे घिस जाते हैं, ठीक है तो क्या है मतलब घर्षण नहीं करने देती है, और जो भी रसायन मतलब जो भी हमारे केमिकल होते हैं कुछ भी बॉडी पर जाता है तो वो अंदर नहीं जाने देती है ना। और संक्रमण जैसे कोई भी हो गया, कोई भी मेरा माइक्रोस्कोपिकल बैक्टीरिया वगैरह जो भी वायरस अगर कुछ भी हुआ ना स्किन पे आता है तो क्या उसे अंदर नहीं जाने देती है ना, तो ये कौन करता है एपिथीलियम का, यही करती है एपिथीलियम की लेयर और बचाती है ना उस चीज़ों से हमें। फिर है रोध यानी कि बैरियर, तो क्या है त्वचा की एपिथीलियम एक अभेद रोध का कार्य करती है, कहने का मतलब यही हो गया ना कि जैसे कोई भी मेरा वायरस है तो वो क्या करेगा मेरे स्किन से बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा,
तो वो क्या हो गया, यानी कि क्या है, मेरी बॉडी की जो स्किन थी ना, इसको भेद नहीं पाया, तो क्या है, अभेद का वर्क हो गया ना, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं बैरियर। बैरियर का मतलब यही होता है, देखो फाटक पे भी होता है कि बैरियर, कोई आदमी इधर वाला उधर नहीं जा पाएगा, तो बैरियर। क्लियर। अब आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब जो अगला टॉपिक है वो मेरा क्या है, ये जो मेरा यहाँ फोर्थ नंबर है वो है पदार्थ का आदान प्रदान, यानी कि एक्सचेंज ऑफ मेटेरियल। तो इसमें क्या होता है, जो अंतरा अंगों, मतलब जो मेरी बॉडी के अंदर के जो अंग है, अंतरा अंगों में अपने पर्यावरण से क्या होगा, जो अंतरा अंग है, जो हमारा इन्वायरमेंट होगा, तो हमारे इन्वायरमेंट से पदार्थों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, यानी कि पदार्थों का आदान प्रदान होता है। और जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, क्योंकि जो मेरी, देखिए मेरी बॉडी के यहाँ अंदर ऑर्गन है, बाहर इन्वायरमेंट है, यानी कि पर्यावरण है, तो क्या होगा, कुछ कुछ मेरे सबस्टांस होते हैं जिनका आदान प्रदान होता है, तो जोन सी लेयर के द्वारा होता है, वो लेयर कौन सी होती है, एपिथीलियम होती है। देखो आदान प्रदान एपिथीलियम के द्वारा ही होता है, यानी कि जो एक्सचेंज होगा, जैसे सपोज दैट यहाँ मेरा हाथ है, और जो हाथ के अंदर क्या है, कोई भी हमने मान लिया ऑर्गन है या कोई भी टिश्यूज है, कुछ भी है, तो अब मेरा इन्वायरमेंट से उन्हें कोई भी मटेरियल चाहिए, तो वो क्या अंदर जाएगा या कोई भी बाहर आएगा, जैसे कि क्या है, पसीना बाहर आता है मेरा, तो जो एक्सचेंज होगा ना वो किसके थ्रू होता है, एपिथीलियम के लेयर के थ्रू ही होता है। ओके गाइस, फिर है कि अतः एपिथीलियम आवरण चयनात्मक होता है। चयनात्मक का मतलब ये होता है कि सिलेक्टिव, मतलब कि उसे बाहर तो बहुत सारे मटेरियल होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं ना, तो वो जो एपिथीलियम की लेयर है वही वाला सब्सटेंस का एक्सचेंज करेगी, जो उसे चाहिए होगा, मतलब चैन करके, ठीक है, यानी कि सेलेक्ट करके, जैसे बहुत सारे हैं तो उनमें से एक को सेलेक्ट करके वही अपने अंदर लेगा बॉडी के, यानी कि एक्सचेंज होगा, ठीक है। और अवांछनीय, इसके आर पार नहीं जा पाते, मतलब अवांछनीय का मतलब कि जो इसके, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस है जो इसको नहीं चाहिए, वो इसके, वो एपिथीलियम के लेयर के आर पार नहीं हो सकता, ठीक है। इसके इच्छा के अकॉर्डिंग जो एपिथीलियम को लेयर जो चीज चाहिए होगी ना, सब्सटेंस मटेरियल, वही अंदर जा पाएगा, मैंने बोला ना सेलेक्टिव, ठीक है, हर एक नहीं जा पाएगा, तो जो जा नहीं पाएगा ना, उसे हम बोलेंगे अवांछनीय, मतलब उस एपिथीलियम की लेयर के इच्छा के अनुसार ही जाएगा, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं जा पाएगा, है ना। फिर है अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा ना, जो मेरी आंत होती है, तो उसमें क्या होता है, खाना का डाइजेशन होता है ना, खाना पचता है मेरी आंत के अंदर। अब जो खाना पच जाता है, उसके बाद जो भी न्यूट्रिशन होता है, वो मेरी आंत की लेयर क्या करती है, एब्जॉर्वेशन करती है ना, तो वही क्या हो गया, एब्जॉर्वेशन। देखो आंत का एपिथीलियम अस्तर पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, तो वही क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण हो गया, ठीक है। उसके बाद है उत्सर्जन, यानी कि सेक्रेशन। तो उत्सर्जन क्या होगा, जो मेरी यहाँ होती है मूत्रवाहिनियाँ की एपिथीलियम या उपकला, मतलब जो मेरी मूत्रवाहिनियाँ होती हैं, उसमें क्या होता है, एपिथीलियम और उपकला एक ही चीज होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एपिथीलियम जो मेरी मूत्रवाहिनियों का सरफेस होगा, तो उस पर क्या होती है, यानी कि सतह पर क्या होगा, एपिथीलियम होता है, ठीक है, एपिथीलियम की लेयर होती है। तो क्या करता है, मूत्रवाहिनियों की एपिथीलियम या जो उपकला ब्रकों से, ब्रक यानी कि जो मेरी किडनी होती है, तो मेरी किडनी से क्या करता है, नाइट्रोजनी अभिष्ट, मतलब जो मेरा नाइट्रोजन, जो मेरा पदार्थ होता है, वो ऐसा होता है कि जिसको क्या है, जिसे जरूरत नहीं होती है मेरी किडनी को, तो वो क्या है, अभिष्ट होता है, और पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होती है। मतलब क्या होता है, जो मेरी किडनी के अंदर या जो मेरी मूत्रवाहिनियाँ होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमें जो नाइट्रोजन, जो मेरा पदार्थ है, उसकी हमें नीड नहीं होती है, तो वो क्या करता है, वो उसको बाहर निकाल देता है, तो एपिथीलियम की जो वो लेयर होती है, वो उसे बाहर निकाल देती है, यानी कि सेक्रेशन कर देता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। ओके गाइस, और आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर रखें, और हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें, और आपका सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है। आप लोग लाल बटन को दबा के रखें, ठीक है, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें। थैंक यू।